दिन ब दिन हमारे सामने बड़े बड़े कंपनीज एकदम हाई क्वालिटी टॉप नॉच गेम्स ला रहे हैं, जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कौन से गेम्स हैं जिनसे गेमिंग इंडस्ट्री के बार एकदम हाई सेट हो गए? आज आपको कुछ ऐसी 10 गेम्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ अलग किया एंड तगड़े रिकॉर्ड्स भी सेट करे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड गेम्स गॉसिप इंडिया को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे गेमिंग कंटेंट देखने के लिए। क्राइसिस सीरीज का फर्स्ट गेम लॉन्च हुआ था 2007 में। ये पूरी सीरीज मिलिट्री प्रोटैगनिस्ट के ग्रुप के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिनके पास कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस सूट्स होते हैं जिन्हें नैनो सूट कहा जाता है, एंड इन सूट से प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ, स्पीड, डिफेंसिबिलिटीज बढ़ जाती है। क्राइसिस में हम बेसिकली बिलोंग करते हैं फिक्शनल रैप्टर टीम को, जो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन पे जाते हैं एक आइलैंड पे नॉर्थ कोरिया के एग्रेसिव मूवमेंट्स पे नजर रखने के लिए। हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल वेपन्स रहते हैं, लाइक हैंडगन, सबमशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, एंड हम सब इनके हिसाब से अटैचमेंट्स लगा सकते हैं। गेम के बढ़िया मैकेनिक्स एंड गेम प्ले फीचर्स की वजह से इस गेम को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इस गेम को बड़े बड़े मैगजीन्स ने प्रेस किया एंड साथ ही कुछ जाने माने वेबसाइट्स लाइक गेमस्पॉट ने भी इसे 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी। इस गेम ने शूटिंग कैटेगरी में अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छा रेवोल्यूशन लाया एंड इसके और भी सीक्वल्स लॉन्च हो चुके हैं। आपने वो ट्राई किए हैं? नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। रेजिडेंट ईविल, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है डेंजरस हॉरर लोकेशंस, क्रीचर्स, ज़ॉम्बीज, क्योंकि इस सीरीज ने गेम इंडस्ट्री के हॉरर सेक्टर में बहुत नाम कमाया ड्यू टू इट्स गेम मैकेनिक्स, हॉरर एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्टोरीलाइन एंड ग्राफिक्स। इन गेम्स को खेलने में अलग ही मजा आता है, स्पेशली पजल सॉल्व करने में। रेजिडेंट ईविल का सबसे पहला गेम रिलीज हुआ था प्लेस्टेशन के लिए इन 1996। इस सीरीज पे काफी सारी मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं जिन्होंने $600 मिलियन की अर्निंग भी करी है। रेजिडेंट ईविल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बेस्ट सेलिंग सर्वाइवल हॉरर गेम सीरीज का नाम दिया गया है, क्योंकि यही वो गेम सीरीज है जिसने एक तरह से सर्वाइवल हॉरर जॉनर को स्टार्ट किया। सो यकीनन ये एक रेवोल्यूशनरी गेम था। जब असैसिंस क्रीड ने 2007 में सबसे पहले कदम रखा था, तभी ऑडियंस को पता चल गया था कि भाई गेमिंग में ना अब कुछ अलग ही आने वाला है। उस टाइम पे गेमर्स को एक असैसिन के रोल में ले जाके मिडिवल सिटीज एक्सप्लोर कराना, वो भी बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ, एक चैलेंजिंग टास्क था, बट लोगों को बहुत ही एक्साइटिंग लगा एंड गेम ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी। गेम की स्टोरी लाइन एंड कुछ की फीचर्स लाइक क्लाइंबिंग ऑन वॉल्स एंड फाइटिंग स्टाइल ने गेम को और ज्यादा फैसिनेटिंग एंड फन टू प्ले बना दिया, क्योंकि किसी भी चीज पर क्लाइंब करने के फीचर्स बहुत कम ही गेम्स में देखने को मिलते थे। मॉर्टल कॉम्बैट फैंटेसी थीम्ड लाइटिंग गेम है जो 1992 में रिलीज हुआ था। इस टाइम पीरियड में गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी जितनी आज के टाइम पे है। ये गेम अपने फाइटिंग स्टाइल के लिए फेमस है, क्योंकि ये फाइटिंग मूव्स रियल लाइफ मार्शल आर्ट से इंस्पायर्ड है, एंड इसमें सबसे ज्यादा पसंद करेगा स्पेसिफिक कैटेगरी फैटलिटीज है, यानी कि फिनिशिंग मूव्स, जो हर एक करेक्टर के अपने डिफरेंट स्टाइल में होते हैं। इस सीरीज के बहुत सारे टाइटल्स भी रिलीज हो गए हैं एंड इसने गेमिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा रेवोल्यूशन लाया। मॉर्टल कॉम्बैट एक ऐसा गेम है जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गेमर्स एडिशन में टोटल 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नोटेड है, जिसमें से एक है मोस्ट सक्सेसफुल फाइटिंग गेम सीरीज। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये गेम कितना ज्यादा रेवोल्यूशनरी रहा होगा एंड लोग इसे कितना पसंद करते हैं। माइनक्राफ्ट गेमिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा गेम है जिसने पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया है। ना इसमें हमें खतरनाक ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, ना ही कोई ओवररीचिंग स्टोरी लाइन, फिर भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग गेम्स भी है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि अगर गेम में रियलिस्टिक ग्राफिक्स डाल दिए ना तो गेम एकदम टॉप नॉच है, बट माइनक्राफ्ट ने इस थ्योरी को पूरे तरीके से पानी में डुबा दिया। माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है इसका क्रिएटिव एंड सेटिस्फाइंग गेम प्ले स्टाइल, जिसे छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग भी एंजॉय करते हैं। GTA 3 गेमिंग इंडस्ट्री का एक रेवोल्यूशनरी गेम है। जब ये 2001 में रिलीज हुआ था, तब इस गेम ने ओपन वर्ल्ड कैटेगरी गेम्स की किस्मत पलट दी थी, क्योंकि लोगों को एक बहुत ही अलग दुनिया देखने को मिली जिसके अंदर हम लिटरली जो चाहें वो चीजें कर सकते थे। गाड़ियां चलाना, मिशन करना, गैंगस्टर लाइफ जीना, एक तरीके से हम अपनी सेकंड लाइफ गेम के अंदर जी सकते थे, वो भी अपने हिसाब से। उस टाइम पे इतने सारे फीचर्स दे देना एक बहुत ही बड़ी बात थी एंड इसकी वजह से ही रॉकस्टार गेम्स पॉपुलर हुआ एंड अब तो GTA सीरीज भी इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है कि ओपन वर्ल्ड सुनते ही सबसे पहले उसका नाम आता है दिमाग में। रॉकस्टार गेम्स से हर GTA टाइटल के साथ हमें बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करी है एंड होपफुली फ्यूचर में भी करता रहेगा। इंडिया में मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ क्राफ्टन के डेवलप किए हुए बैटल रॉयल गेम का है, जिसका नाम है पबजी मोबाइल। पबजी गेम रिलीज के टाइम पे एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया। बैटल रॉयल कंसेप्ट एक तरह से फेमस कर दिया इसने, जिसे कुछ बेहतरीन फीचर्स ने लोगों का मन जीत लिया। हमें नए दोस्त मिले, कुछ लोगों का ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया, कुछ लोगों ने तो इससे बिजनेस शुरू कर लिया। अब तो पबजी सीरीज में भी कुछ नए गेम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइक न्यू स्टेट मोबाइल। एक बात तो है कि जो चेंज पबजी मोबाइल लाया ना इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री में, वो शायद ही कोई और मोबाइल गेम ला पाया था। लास्ट ऑफ अस गेम ने एकदम क्लियरली गेमिंग इंडस्ट्री में चेंज लाया एंड ये हमें इसके रिलीज होने के पहले हफ्ते में पता चल गया था, क्योंकि पहले 7 दिनों में इसकी 1.3 मिलियन प्लस कॉपी सोल्ड हुए थे एंड ये बन गया था बिगेस्ट वीडियो गेम लॉन्च ऑफ 2013। लास्ट ऑफ अस में हमें रियलिस्टिक रिलेटेबल कैरेक्टर्स देखने को मिले विद ओवरशैडोइंग स्टोरी लाइन, जिससे हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले आए हुए गेम स्टोरी लाइन में अच्छे नहीं थे, बट ये आने के बाद गेमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया अबाउट स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स इन गेम वर्ल्ड। मतलब जिनसे आप प्यार करते हो उनको बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो, उसी के साथ
साथ फादर डॉटर का डीप रिलेशन भी देखने को मिला। ये गेम 2013 का 10th मोस्ट सेलिंग गेम है। आपने लास्ट ऑफ अस खेला या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। द सिम्स एक सैंडबॉक्स टाइप गेम सीरीज है जिसमें प्लेयर करेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एंड गोल इन माइंड। बेसिकली जो करेक्टर्स हमने क्रिएट करे हैं ना उनका हमें एवरीडे रूटीन कंट्रोल करना होता है कि वो दिन भर क्या करेंगे, उनका मोड कैसा रहेगा एंड ऐसी बहुत सारी चीजें। इसमें हम बिल्ड मोड भी एंटर कर सकते हैं जिसमें हम हमारे करेक्टर के घर अपने हिसाब से रेनोवेट कर सकते हैं। इस फ्रेंचाइज की 200 मिलियन प्लस कॉपी सेल हुई है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम है ऑफ ऑल टाइम। अभी भी ऑलमोस्ट 20 साल एंड 4 टाइटल्स के बाद भी सिम्स काफी पसंद किया जाता है। हाफ लाइफ फर्स्ट पर्सन शूटर गेम सीरीज है जिसका फर्स्ट गेम 1998 में रिलीज हुआ था। इसमें हम गॉर्डन फ्रीमैन का रोल प्ले करते हैं जो एक साइंटिस्ट है जिसको ब्लैक मेसा रिसर्च फैसिलिटी से एस्केप करना है क्योंकि फैसिलिटी इन्वेडेड है एलियन से। इस गेम में हमें कॉम्बैट, एक्सप्लोरेशन एंड पजल सॉल्विंग देखने को मिलती है। हाफ लाइफ गेम के अपने ग्राफिक्स, नैरेटिव एंड गेम प्ले की वजह से 50 प्लस पीसी गेम ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिले हैं इसे एंड इसने अपने प्लेटफॉर्म पे एफपीएस कैटेगरी में एक अच्छा खासा रेवोल्यूशन लाया है। तो गाइस ये थे वो 10 गेम्स जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ अलग करके गए एंड कुछ चेंज किया इन्होंने, मतलब इन्होंने एक तरीके से चेंज कर दिया गेमिंग इंडस्ट्री को। आपके हिसाब से कौन से ऐसे गेम्स है जो कि गेमिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव लेकर आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो एंड गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे गेमिंग कंटेंट देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।